थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद. मुझे पता है आप सब लोग शायद संगीत को, ऑफ कोर्स संगीत एंटरटेनमेंट है, मनोरंजन है, और जीवन में जो भी दुख दर्द स्ट्रेस जो भी हमारे जीवन में है, संगीत काफी हद तक उसको बैलेंस करती हुई चलती है. बट आई थिंक एक आर्टिस्ट का सिर्फ मनोरंजन नहीं, और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. सो थोड़ा सा मैं चाहूंगी आप दो मिनट मुझे और धीरे से सुने, उसके बाद आप फगुआ बोले जो भी आप रिक्वेस्ट करेंगे मैं जरूर गाऊंगी. जी फगुआ जरूर, सब लोग होली के मूड में आ गए हैं क्योंकि बस होली कब है, कई तारीख को है, फागुन. हाँ जरूर गाएंगे, लेकिन मैं आज आपको पता है कि नहीं, आज मातृभाषा दिवस है, पता है आज मातृभाषा दिवस है. और असमिया और भोजपुरी मैं दोनों को अपना मातृभाषा समझती हूँ. भूपेन हजारिका से भिखारी ठाकुर तक ये मेरी यात्रा रही, और बस पांच मिनट में चाहूंगी भिखारी ठाकुर जी को मैं जरूर इस मंच से गाना चाहूंगी, उसके बाद मैं गाते जाऊंगी. और भाषा आंदोलन की बात करूंगी, भोजपुरी अभी भी बोली है, भोजपुरी को भाषा की दर्जा नहीं दिया गया है, अभी भी एक तरह की लड़ाई है, आंदोलन है. और आई थिंक भिखारी ठाकुर भोजपुरी साहित्य में संगीत में बहुत ही एक बड़ा एक स्तंभ है. उन्होंने कई नाटक रचे, उसमें से एक प्रमुख है बेटी पेचुआ. आज भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक मुहिम तो है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस मुहिम को लेकर चल रहे हैं. लेकिन जब दिल्ली में 8 महीने की बच्ची के साथ उसके अपने ही चाचा द्वारा दुष्कर्म किया गया, तो मुझे बेटी बचाओ तो ठीक लगा, बेटी पढ़ाओ थोड़ा सा जिस तरह से स्कूलों में बलात्कार हो रही है, थोड़ा सा ये सोच में पड़ गई होगी कि क्या मेरा भारत सही में महान है. लेकिन ये भाव कई साल पहले बेटी पिछुआ में भिखारी ठाकुर जी कह गए. एक बेटी अपने बाबा से, अपने बाबूजी से सवाल करती है,